हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन आंसर एंड सॉल्यूशंस ऑफ अ न्यू चैप्टर डीएनए फ्लो के एलिमेंट्स दैट मीन्स ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और अ सीरीज। यस, सो वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इन द बोर्ड एग्जाम्स 3 to 4 marks फॉर अ सीबीएसई बोर्ड्स एंड 4 marks फॉर द आरबीसी बोर्ड। यस, तो क्वेश्चन इसमें किस टाइप से कैसे पूछते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन पूछते हैं और कंसेप्चुअली क्वेश्चन होते हैं। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड वी कंसिडर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, On what ground can you say that scandium atomic number Z is equal to 21 is a transition element but zinc atomic number 30 is not transition elements. Yes, क्या फैक्ट होता है, कौन सी बात है जो क्या कर रहे हैं, स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बनाती है और जिंक को अपन कंसिडर नहीं करते हैं एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वाई, एक बार दोबारा सुन लो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, दोज एलिमेंट्स दे हैव इनकम्प्लीट डी कॉन्फिगरेशन। डी शेल जो होते हैं जिनके क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, दैट मीन्स डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं शेल होते हैं उसमें 1 to 9 तक जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट एलिमेंट्स आर कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जिंक एंड स्कैंडियम बोथ आर बिलोंग फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यस, और हमने ये भी स्टडीज किया है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यूजली कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। यस, तो फर्स्ट वी कंसिडर स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इज जेड इज 21। यस, और दोबारा एक बार इसको माइंड में फीड करिएगा, दिस चैप्टर इज टोटली एंड टोटली डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वो आपको लाइन रखना है, उसी बेसिस पे ही डिपेंड करता है। इफ वी कंसिडर स्कैंडियम एस सी एंड दिस इज जेड एन, स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इज 21 एंड इसका जो है 30। Yes, if we draw the electronic configuration of the valence shell, scandium 3d1, 4s2, and zinc के बारे में हम लिखे, zinc का electronic configuration क्या होगा, 3d, 10, 4s2. So, scandium have one electron, unpaired electron in d shell, that means d इसका क्या है, incomplete है. So, therefore, this is considered as a transition element, but zinc is has complete filled d shell. जो एलिमेंट जिनका डी कंप्लीट फील्ड होता है, दैट मीन्स डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको अपन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कंसिडर नहीं करते। सो स्कैंडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन डी शेल दैट इज इनकम्प्लीट। कॉन्फिगरेशन जो भी एलिमेंट होते हैं जिसमें डी में क्या होता है 1 to 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बट इसके जिंक जो होता है क्या होता है, इट हैज कंप्लीट फिल्ड डी शेल।
कम्प्लीटली फेल, दैट इज दी 3D टाइम जो टोटली कम्प्लीट फेल है। यस, डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्या होते हैं, कम्प्लीट फील्ड होते हैं, डी शेल कम्प्लीट फील्ड होते हैं, देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। जिंक कैडमियम में एच जो 3 एलिमेंट्स होते हैं जिसको अपन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करते हैं। यस, सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी इसमें, दैट मीन्स जिसमें भी डी कम्प्लीट फील्ड आ रहा है, डी 10 इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होता है टोटली फील्ड आ रहा है, सच एलिमेंट्स आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेलर एटम हैज अ कंप्लीटली फेल डी ऑर्बिटल्स, फॉर डी 10 इन ग्राउंड स्टेट, हाउ कैन यू से दैट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Yes, if we consider silver in ground state, silver consists 10 electron d cell, अभी हमने क्या पढ़ा था, जिन में भी d 10 electrons होते हैं, d में 10 electrons होते हैं, that elements are non-transition elements, but silver जो है Cu, Au and Ag 3 elements आपको लाने का है, zinc, cadmium and Hg ये भी 3 लाने का है, non-transition elements। Yes, Cu, Au and Ag जो होता है, यस, सिल्वर गोल्ड एंड कॉपर जो होता है ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, डी ब्लॉक के है, डी कंप्लीट फील्ड है, बट फिर भी दीज आर कंसिडर एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सिल्वर की जगह गोल्ड भी आ सकता है, कॉपर भी आ सकता है, बात एक ही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिल्वर की जगह कभी कभी कॉपर भी दे रखा है तो उसका भी रीजन एक ही होगा। यस, सिल्वर जो होता है क्या कर रहा है, अगर मैं सिल्वर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ड्रॉ करें तो मैं क्या मिलेगा, 3D 4SD 10 5s1 4d 10 5s1 d जो है टोटली कम्प्लीटली फेल है। यस, तो यहाँ पे सिल्वर को हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर जो है इसका ऑक्सीजन स्टेट अगर ड्रॉ करें तो हमें क्या मिलता है, एक तो Ag प्लस मिलता है एंड अनदर जो होता है क्या होता है, Ag2 प्लस। यस, तो हमें यहाँ पे इस केस में कंसिडर करें, इफ़ यू कंसिडर दिस सच केस, सो इस केस में हमें जो सिल्वर मिलेगा क्या मिलेगा, 3d9 4d9 5s0, देखिए डी यहाँ पे इनकम्प्लीट मिला है, दैट मीन्स सिल्वर क्या कर रहा है, ग्राउंड स्टेट या एक्सेलरेटेड स्टेट में, किसी भी एक एक्सेलरेटेड स्टेट या ऑक्सीजन स्टेट में क्या कर रहा है, ये इनकम्प्लीट डी शेल फिलअप कर रहा है, सॉरी फुलफिल कर रहा है। यस, कोई भी ग्राउंड स्टेट कंसिडर कर सकते हैं, या फिर ग्राउंड स्टेट में तो कंप्लीट फेल है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये किसी भी एक्सेलरेटेड स्टेट जो होती है उस केस में क्या कर रहा है, जब भी कंपाउंड पर आता है या एनी ऑक्सीजन स्टेट, इट शो डी इनकम्प्लीट कॉम्पिटिशन। यस, तो इसका रीजन जो होगा क्या होगा, इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट होती है कोई भी जो है एनी एक्सेलरेटेड ऑक्सीजन स्टेट, इसमें क्या कर रहा है, डी में यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इनकम्प्लीट हो गया, तो देयरफॉर सिल्वर इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे, एनी ऑक्सीजन स्टेट ऑफ सिल्वर एनी वन ऑक्सीडेशन या कभी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं,
इट्स हैव deny incomplete completion. Yes. Any one oxygen state में क्या कह रहा है, deny completion कह रहा है, इसमें silver में deny electrons होते हैं, therefore it is considered as a transition element. Yes, this is second question. Basically, आपको लाइन रखना है, कोई भी किसी भी ग्राउंड स्टेट या एक्सेलरेटेड स्टेट जो होती है या ऑक्सीजन स्टेट जो होती है, उसमें क्या करना है, अगर वो डी इनकम्प्लीट शो कर रहा है, दैट मीन्स वो एलिमेंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट की फॉर्म में कंसिडर करके. इन एनी ऑक्सीजन स्टेट्स, किसी भी ग्राउंड स्टेट या कोई भी ऑक्सीजन स्टेट है जिसमें डी इनकम्प्लीट शो हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. थर्ड क्वेश्चन, why do transition elements exhibit higher enthalpies of atomization? Exhibits yes. ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं क्या करते हैं, हायर एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन एग्जिबिट करते रहते हैं. क्यों रहते हैं? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ में क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डी शेल के, वही एटमाइजेशन एंथैल्पीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं. जो अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ही ज्यादा होते हायर होते हैं, उसकी एटमाइजेशन एंथैल्पीज क्या होती है, ज्यादा होती है. कैसे होती है? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द डी ऑर्बिटल्स. यस, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दूसरा जो मेटल एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट होता है, उसके साथ में क्या करते हैं, एटम्स के साथ में क्या करते हैं, इंट्रा एटॉमिक अट्रैक्शन जो फोर्स लगाते हैं. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, तो अनदर जो नेबरिंग एटम जो होता है, इसका खुद का ही एलिमेंट होता है, उसके साथ में इंट्रा एटॉमिक इंट्रैक्शन जो फोर्स होता है, अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, क्या होता है, इंक्रीज होता है. दिस डी ब्लॉक एलिमेंट्स या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर्म्ड या हेल्ड कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंट्रा एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्सेस विथ अनदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम एटम.
यस, नंबर ऑफ एटम पर इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं उसके बीच में इंट्रा एटॉमिक अट्रैक्शन जो फोर्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। हमने एक पहले था लेफ्ट टू राइट जाते तो मिडल तक, तो इंक्रीज होता है अट्रैक्शन फोर्सेस ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एंड आफ्टर दैन जो होता है क्या होता है एटमाइजेशन एंड दैन अगेन जो है डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, क्यों इलेक्ट्रॉन की जैसे ही पेयरिंग होती है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं। यस, तो बेसिकली अपन कह सकते हैं यहाँ पे इंट्रा एटॉमिक अट्रैक्शन जो फोर्सेस होता है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे। डायरेक्टली इंट्रा एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्सेस और इंट्रा एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्सेस होता है क्या होता है डायरेक्टली एटमाइजेशन एंथैल्पीज। यस, ये आपको लाना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने इंक्रीज होते हैं डी शेल में। यस, इसके नियम के बाद में टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम यस फेरस निकल कोबाल्ट जिंक कॉपर जो है वहाँ तक जाते हैं, तो कॉपर जो होता है सॉफ्ट मेटल होता है। यस, बिकॉज वहाँ पे डी जो है टोटली फेल हो जाते हैं, डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होते हैं, तो उसमें जो एटमाइजेशन एंथैल्पीज उसके क्या होते हैं लो होते हैं। तो बेसिकली आपको एटमाइजेशन एंथैल्पीज का भी मीनिंग लगना है, एंथैल्पीज रिक्वायर टू डिसोसिएशन ऑफ वन मोल कह सकते थे या वन एटम फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट उसको क्या क्या है गैसेस फॉर्म लाने के बाद हम क्या करें उससे जो एटम को सेपरेट करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए होती है वही क्या होती है एटमाइजेशन एंथैल्पीज होती है। यस, देखिए इसके नियम के पास में डी में वन शेल वन इलेक्ट्रॉन होता है तो वन मेटलिक बॉन्ड बनाता है। यस, टाइटेनियम में टू होता है। यस, वैनेडियम क्रोमियम उस टाइप से जो है नंबर ऑफ एटमाइज डी ब्लॉक में एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो उसमें इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस होते हैं वो भी क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं। यस, तो देयरफॉर दे हैव हाई एटमाइजेशन एंथैल्पीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये जिंक इज लोवेस्ट, इसी के पार्ट जैसे अभी अपन किया है। इसका नियम का एटॉमिक नंबर Z21 और लास्ट एलिमेंट जो होता है कौन सा होता है जिंक होता है, Zn जो होता है एटॉमिक नंबर क्या होता है 30। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डिक्रीजेस लोवेस्ट, दैट मीन्स की एंथैल्पीज भी गिवन हमें 126 किलो जूल पर मोल वाय। बेसिकली आपको लाइन क्या रखना है, इफ यू कंसीडर स्कैंडियम इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन 3d1 4s 2 एंड 10th एलिमेंट लास्ट वाला जो कौन सा है जिंक एलिमेंट है Zn और इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन क्या होगा 3d10 4s2। यस, डी यहाँ पे क्या है टोटली कंप्लीट फील्ड है। डी कंप्लीट फील्ड का मीनिंग होता है इसकी एटोमेशन एंथैल्पीज होती है क्या करता है ये वीक इंट्रा एटॉमिक फोर्स है, इसके बीच में जो इंट्रा एटॉमिक बॉन्डिंग जो होती है क्या होती है वीक होती है, इसके बीच में इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस होते हैं क्या होते हैं वीक होते हैं, बिकॉज इंट्रा एटॉमिक फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं डी शेल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे टोटली डी जो है क्या इसमें पेड इलेक्ट्रॉन्स है। यस, देयरफॉर जिंक इज अ सॉफ्ट मेटल, तो रीजन इसका क्या होगा दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी शेल
डी ऑर्बिटल्स ऑफ जिंक, यस, इस वजह से क्या करता है, इट हैज इट फॉर्म वीक एंड इट्स फॉर्म वीक इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड्स. यस, इसके बीच में इंट्रा एटॉमिक बॉन्ड जो बनते हैं क्या बनते हैं, वीक बनते हैं, बिकॉज यहाँ पे डी जो है टोटली फेल हो गया, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. हमने यहाँ पे क्या लिखा था, एटोमाइज एंथैल्पीज होती है क्या होती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली. यस, लेफ्ट टू राइट मिडल तक जाते हैं तो क्या होती है, इंक्रीज होती है, आफ्टर दैन जो है क्या होती है, आगे नहीं डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है जैसे ही डी में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट. यस, कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है, तो एक ही एलिमेंट है, कौन सा है, जिंक. जिंक क्या कर रहा है, ओनली 2+ ऑक्सीजन स्टेट ही शो करता है. जिंक को भी कंसिडर कर सकते हैं 0, और मोस्ट ऑफ जो है मोर अप्रोप्रिएट जो रहेगा क्या रहेगा, स्कैंडियम के फॉर्म में कंसिडर करेंगे. स्कैंडियम जो होता है ओनली 3+ ही शो करता है, 1+ इसकी बहुत ही अनस्टेबल होती है तो कंसिडर नहीं करेंगे. यस, सॉरी, हाँ, इसको अंडरलाइन करना है, डी ब्लॉक नहीं पूछा है, सॉरी सॉरी, मैंने जिंक इसलिए कहा कि डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर नहीं करना, हमें पूछा कि ट्रांजिशन एलिमेंट, इस वर्ड को लेना है. जिंक है, जिंक का भी 2+ ओनली 1 ही ऑक्सीजन स्टेट होती है, बट हमें यहाँ पे पूछा क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक इज अ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स. आंसर इज स्कैंडियम. स्कैंडियम SC, एटॉमिक नंबर इज 21, ओनली 2+3 ऑक्सीजन नंबर. यस, ये ट्रांजिशन एलिमेंट जो वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर शो नहीं करता है. अगर डी ब्लॉक की बात होती है तब तो अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट आंसर सीरियस स्कैंडियम को कंसिडर करते हैं. स्कैंडियम ओनली 3 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो नहीं करता है. यस, फिफ्थ क्वेश्चन. सिक्स, क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द 3D सीरीज, 1 बार का ही पूछा है सिंपली. ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीजन स्टेट्स.
एंड वाई। कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है 3D ट्रांजिशन सीरीज का जो एलिमेंट होता है क्या करता है, लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो करता है एंड वाई, विच एंड वाई। तो आंसर जो इसका होगा क्या होगा, एम एन। यस, एम एन इज ऑल्सो लार्जेस्ट ऑक्सीजन नंबर। यस, इसके जो हाईएस्ट, एक तो लार्जेस्ट का मीनिंग होता है नंबर में पूछा है और हाईएस्ट का मीनिंग होता है प्लस 7। ये क्या क्या शो कर सकता है, प्लस 2 शो करता है, प्लस 4 भी करता है, प्लस 5 भी करता है, प्लस 6 भी करेगा, प्लस 7 भी करेगा। यस, इसमें जो सबसे हाईएस्ट और मोर स्टेबल जो होती है, प्लस हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट जो होती है क्या होती है, प्लस 7 ऑक्सीजन स्टेट जो होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ओनली यही एलिमेंट शो करता है और पूरी पीरियडिक टेबल की बात करें तो ऑस्मियम जो होता है प्लस 8 शो करता है। यस, बट इफ यू कंसिडर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज अमंग द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एम एन शो प्लस हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट। इसका रीजन क्या होता है, इफ यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एम एन, एम एन का एटॉमिक नंबर जेड जो होता है क्या होता है 25 होता है। इसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 3d5 4s 2। यस, इसका मीनिंग यहाँ पे 3d एंड 4s, सो इसकी एनर्जीज होती है क्या होती है, कंपेरेबल होती है, बिकॉज दे हैव कंपेरेबल एनर्जीज। और इसके पास में जो वैलेंस शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करके क्या होता है 7 होते हैं। यस, तो रीजन क्या होता है, दिस इज ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जी ऑफ एन माइनस 1d एंड ns ऑर्बिटल्स। यस, एंड ऑल्सो हैव 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द बी शेल। दूसरा जो रीजन होता है क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन भी इनके साथ में क्या है, ज्यादा होते हैं। यस, इसके डी ऑर्बिटल शो इसमें नंबर वन पर इलेक्ट्रॉन भी क्या है, ग्रेटर है। तो ड्यू टू दिस रीजन दिस इज शो हाईएस्ट या लार्जर ऑक्सीजन स्टेट। इनके एनर्जी कंपेरेबल होने की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इजिली जो है एक्सचेंज भी हो सकते हैं और इजिली क्या होते हैं, रिलीज भी हो सकते हैं। और सेकंड जो रीजन अपन ये भी बता सकते हैं, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है क्या होती है, लो होती है। यस, हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो कौन करता है, जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है। यस, Mn has low ionization enthalpies. जिनके ionization enthalpies low होती है तो easily electron जो होते हैं क्या होते हैं, release हो सकते हैं। ये मेन फैक्टर्स होते हैं, रीजन होते हैं क्या करते हैं, इसके हाईएस्ट और वेरिएबल ऑक्सीजन नंबर जो होते हैं इसको शो करते हैं। वेरिएबल के पूछे तो ये रीजन आएगा हाईएस्ट में है तो एंथैल्पीज कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई सी आर टू प्लस रिड्यूसिंग
एम एन प्लस थ्री। ऑक्सीडाइजिंग व्हेन बोथ हैव डी फॉर कॉम्पिटिशन। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों का क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, बट एक तो है क्या हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, और सेकंड जो हो रहा है क्या हो रहा है रिड्यूसिंग का काम कर रहा है। यस, इफ यू कंसिडर सी आर टू प्लस, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो यहाँ पे मैं मिला दे रखा है सी थ्री डी फोर फोर एस जीरो है। यस, हम क्या करें, इसके जो डी शेल जो होते हैं आपको थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसको लाने रखना है, इसको समझने के लिए हम कोऑर्डिनेट चैप्टर में इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। ये डी शेल जो होते हैं फाइव डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, दीज आर फाइव डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। फाइव डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स का मीनिंग होता है इनकी एनर्जी क्या होती है, सिमिलर होती है, सिमिलर एनर्जी होती है। यस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, डी फोर है, दैट इज फोर इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज डी फोर। यस, सो दीज आर अ फाइव डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ये फाइव डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं क्या होते हैं, टू डिफरेंट एनर्जी लेवल में स्प्लिट होते हैं। दिस टू ऑर्बिटल्स आर नोन एज डी टू जी लोअर एनर्जी एंड दीज आर हायर एनर्जी ए जी। यस, यस, अब यहां पे जो थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं ये लोअर एनर्जी होते हैं, एंड दिस थ्री एलिमेंट्स टू जो है वो कौन सी हायर एनर्जी। यस, अब यहाँ पे हमें क्या बन रहा है, डी फोर से क्या बन रहा है क्रोमियम के लिए, डी फोर से किस में टर्न हो रहा है, डी थ्री में। डी थ्री का मीनिंग होता है डी टू, जी जो है क्या है थ्री फोर। ये डी थ्री जो कॉन्फिगरेशन जो होता है लोअर एनर्जी वाला होता है क्या होता है, हाफ फिल हो गया। और हाफ फिल कॉन्फिगरेशन वी नो क्या होता है, मोर स्टेबल। यस, तो इसी वजह से ये क्या होता है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग होता है ये क्या कर रहा है, क्रोमियम जो होता है वन इलेक्ट्रॉन जो होता है लूज करके क्या करता है, डी थ्री में आ जाता है, डी थ्री जो होता है हाफ फिल हो जाता है, मोर स्टेबल होता है। यस, तो क्रोमियम के केस में हम लिखे तो क्या लिखेंगे, दिस इज ड्यू टू डी थ्री जो है क्रोमियम इज अ सी आर टू प्लस इज अ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट दिस इज ड्यू टू फॉर्म द स्टेबल कॉन्फिगरेशन। फॉर्म कह सकते हैं, गेन कह सकते हैं, कौन सा है, डी थ्री डी टू जी हाफ फिल हो गया। By losing of one electrons. Yes, ये one electron को लूज करके क्या बना रहा है, stable configuration को अचीव कर रहा है, stable configuration क्या कर रहा है ये आपको लाइन रखना है। So therefore ये जो होता है क्रोमियम जो होता है क्या हो रहा है, एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग होता है अपने आप को ऑक्सीडाइज करना है, दूसरे को क्या करना है, रिड्यूस करना है। इट्स सेल्फ ऑक्सीडाइज, दैट मीन्स खुद जो हो रहा है क्या हो रहा है, अनस्टेबल था, अनस्टेबल का मीनिंग है सी आर टू प्लस था, सी आर टू प्लस से क्या बना, सी आर प्लस थ्री। दिस इज लेस स्टेबल, दिस इज अ मोर स्टेबल, बिकॉज यहाँ पे थ्री डी फोर कॉन्फिगरेशन है एंड दिस इज थ्री डी
थ्री कॉन्फिगरेशन, थ्री डी थ्री कॉन्फिगरेशन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू थ्री डी फोर कॉन्फिगरेशन। तो स्टेबलाइज होने के लिए क्या किया है, वाई थ्री डी थ्री इज मोर स्टेबल, दिस इज ड्यू टू हाफ फिल ऑफ अ लोअर एनर्जी टी टू जी ऑर्बिटल्स। यस, तो स्टेबल होने के लिए, स्टेबलाइज होने के लिए क्या कर रहा है, ये वन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। एंड इन द केस ऑफ एम एन प्लस थ्री इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, इसका सेम ही है, 3d4 4s0। यस, ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज होने के लिए एम एन प्लस थ्री जो होता है लेस स्टेबल होता है, लेस स्टेबल होने की वजह से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके क्या बना दिया, एम एन। यस, इसने वन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना दिया, अब ये दिस कॉन्फिगरेशन इज लेस स्टेबल, 3d4 से क्या बना 3d5 मोर स्टेबल, क्यों है, अब ये हाफ हिल हो गया। Yes, so 3d4 is less stable as compared to 3d5, therefore it is gain one electron, one electron gain करके क्या बना दिया, Mn2+ बना दिया। Yes, Mn2+ में यहाँ पे इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, that means it is oxidize। Yes, ये क्या हो रहा है, it is a stabilize होने के लिए क्या कर रहा है, one electron gain कर रहा है, therefore it is act as a oxidizing agent। यस, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों की ऑक्सीजन नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, सॉरी ऑक्सीजन नंबर वेरिएबल है बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, एक ऑक्सीडाइज का काम कर रहा है, एक रिड्यूसिंग का काम कर रहा है, यहाँ पे ये इसको फैक्ट लेके बता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट, दैट मीन्स अगेन एक बार बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर जो है, टोटली चैप्टर जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट जो भी नंबर है, व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ऑफ of a metal exhibit in its oxides and fluorides. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा कई बार, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेटल जो है हायर ऑक्सीजन नंबर शो करते हैं, जैसे प्लस फाइव है, प्लस सिक्स है, प्लस सेवन है, ओनली ओनली फ्लोराइड और ऑक्साइड के केसेस होते हैं, उनके साथ भी जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनके साथ ही शो करती है, ऐसा क्यों होता है। यस, रीजन जो होगा इसका क्या होगा, दिस इज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और सेकंड जो होगा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इनकी क्या होती है, स्मॉल साइज होती है। This is due to more electronegativities
एंड स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन आइटम्स. ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन आइटम्स होती हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है, और क्या होती है, स्मॉल साइज होती है. स्मॉल साइज होने की वजह से खुद की जो आयनेशन एंथैल्पी होती है क्या होती है, कम होती है, यस सॉरी बहुत ही हाई होती है. तो ड्यू टू दिस रीजन्स ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को इजिली विड्रो कर सकते हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग को ही शो करती है. देयरफॉर मेटल्स हैव हायर ऑक्सीजन स्टेट विद फ्लोरिन एंड ऑक्सीजन. कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है. यस नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट Cr2+ और Fe2+ एंड Y. इनमें कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, Y, विच एंड Y? यस अगेन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन को शो करते हैं. इफ वी कंसिडर Cr2+ इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन क्या होगा, 3d4 4s0. एंड इफ वी कंसिडर Fe2+ क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, 3d6 4s0. यस दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन होता है, क्या होता है, लेस स्टेबल होता है. हमें पूछा है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है. रिड्यूसिंग एजेंट का मीनिंग होता है अपने आप को ऑक्सीडाइज करना, यस, और खुद दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस करना. यस Fe की बात करें, Fe जो होता है क्या कर रहा है, 2+ से क्या बनेगा, अगर Fe+3 बनाना है तो यहाँ पे 3d6 कॉम्बिनेशन क्या बना, 3d5 कॉम्बिनेशन. इफ वी कंपेयर बिटवीन 3d6 एंड 3d5 कॉम्बिनेशन, 3d5 कॉम्बिनेशन इज मोर स्टेबल. एज कंपेयर टू 3d6 इसका मीनिंग यहाँ पे 3d6 से क्या बनेगा, 3d5, तो ये क्या करेगा, वन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. यस वन इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है. इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है मतलब इटसेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है. यस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है. इसको स्टेबलाइज होने के लिए लेस स्टेबल कॉम्पिटिशन होता है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. रीजन इसका लेस स्टेबल, दिस इज लेस स्टेबल. स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, वन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. देयरफॉर Fe2+ इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. रीजन इसका यही लेस स्टेबल कॉम्पिटिशन एज कंपेयर टू Cr2+. यस अगर Cr इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनेगा, 3d5 हालांकि वो भी बन रहा है लेकिन यहां पे ये जो है मोर स्टेबल होगा. यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th. देखिए मैंने बोला पूरा चैप्टर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे ही डिपेंड कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आ रहे हैं, तो चैप्टर बहुत ईजी होता है, सिंपल हो जाएगा. कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयंस
in aqueous solution. If atomic number is 25. यस मैं एटमी नंबर 25 दे रखा है और उसका मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है, वो एलिमेंट्स क्या होगा. यस वी नो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको लाना रखना है क्या होता है, एन एन प्लस टू और यूनिट जो होती है क्या होती है बी एम. दिस इज फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक मोमेंटम. कोई भी एलिमेंट है, किसी भी एलिमेंट या आइटम का मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लीजिए. एन जो होता है क्या होता है, दिस इज एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. यस एन जो होते हैं क्या होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. कौन सा है जो डी ऑर्बिटल्स कंसिडर कर रहे हैं, पर डी ब्लू पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं डी ऑर्बिटल्स. यस हमें एलिमेंट जो दे रखा है, एम जो दे रखा है, कौन सा दे रखा है, जो भी दे रखा है कुछ भी हो सकता है. इसका एटमिक नंबर जेड जो है क्या है, 25 है. यस एम से क्या बन रहा है, बेसिक आपको लाइन रखना है एम टू प्लस बन रहा है बिकॉज यहाँ पे दे रखा है डाइवेलेंट आयन, डाइवेलेंट आयन का मीनिंग होता है टू प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. और एटमिक नंबर जेड इज इक्वल क्या है, 25 है. 25 एटमिक नंबर का मीनिंग है इसके पास में क्या है, 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉन से इसने क्या किया है, टू इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिया एक्वस सॉल्यूशन में. दैट मीन्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन में क्या मिलेगा, 3d5 4s0. यस तो यहाँ पे डी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन इक्वल टू क्या है 5. देयरफॉर एन जो है हमें यहाँ पे क्या मिला है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है. डी में जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 10 हो सकते हैं. यस 10 का हाफ जो है 5 है. सो डी जो ऑर्बिटल्स होता है 5 सबसेलेंट डिवाइड होता है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या मिले, 5 मिले हैं. इसकी वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन में. सो 5 5 प्लस 2 इज इक्वल क्या मिलेगा, 7 5 35. √35 है, √35 को मैं सॉल्व करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5.92 bm. यस bm यहाँ पे क्या है, इसकी बोहर मैग्नेट इसकी यूनिट है. और ये एलिमेंट कौन सा होगा, वी नो एटॉमिक नंबर जो 25 होता है किसका होता है, mn होता है. mn से क्या बना है, mn2+. तो mn2+ होता है इसका जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट जो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है Mn+2 का ही होता है. यस तो ये हमारा क्या था आज का वीडियो सेक्शन था. इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किए हैं और भी क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते रहेंगे. यस और इस चैप्टर में जो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं, गिव रीजन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो मैंने किए इसमें 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन जो होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं. यस आरबीसी एंड सीबीसी दोनों बोर्ड में जो है एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन आ चुके हैं. यस तो आप पढ़ते रहिएगा, समझते रहिए, और कुछ डाउट्स है प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा. तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.